Hello kids, welcome back to the class of General Knowledge Part 3. So we are back again with a new activity in this new video. So kids, here we are given with a whole grid and iske andar hame kuch words banane hain. So kids, I'm a single person but you have to play this game in a team. तो आपको ये टीम में या फिर पार्टनर्स में प्ले करना है तो चलिए इस गेम के रूल्स और इंस्ट्रक्शंस को रीड करते हैं. दिस इज एक्टिविटी वर्ड प्ले. राइट, लेट्स डू दैट. लेट्स प्ले स्क्रैबल अ वर्ड गेम टुगेदर. ठीक है, तो इस गेम का नाम है स्क्रैबल जो कि एक वर्ड गेम है. दिस गेम इज प्लेड बिटवीन टू और फोर प्लेयर्स और ये गेम दो या चार लोगों के बीच में खेला जाता है. Right? Form the words across and down in crossword fashion. तो इन words को हमें यहाँ पर form करना है cross और downwards में, across यानी कि ऐसे 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 और downward pattern में. Right kids? तो learn the game. तो चलिए game के instructions हम read करते हैं. One, the first team will write a word in the center of the board occupying the square that is marked with a star. तो स्टार में लिपटा हुआ ये कलर, ये जो वर्ड है पार्ट डी, तो इसके आसपास से ही हमें कोई ऐसा वर्ड बनाना होगा जो कि इस वर्ड को इंक्लूड करता हो, जैसे कि यस डी ओ डबल एल डॉल. ऐसा ही कोई वर्ड आप इसको इंक्लूड करते हुए बना सकते हैं. राइट, सेकंड हम रीड करते हैं. द सेकंड टीम शैल टेक एनी लेटर इन द ओपोनेंट टीम्स वर्ड एंड मेक इट्स ओन वर्ड इन अ क्रिस क्रॉस डायरेक्शन. अब आपको जो नेक्स्ट टीम होगी या आपका दूसरा नेक्स्ट ओपोनेंट होगा उसको आपके वर्ड में से कोई भी एक वर्ड चूज करके उसके अंदर बाकी का फिल अप करना है. राइट kids, जैसे कि आपने लिया यहाँ पर एल वर्ड और आपने लिख दिया एफ एल आई पी फ्लिप. राइट, आपने यहाँ फ्लिप लिख दिया तो अब आपके जो सेकेंड ओपोनेंट टीम होगी उनको इस वर्ड में से कोई एक वर्ड को इंक्लूड करते हुए सीधे या फिर क्रिस क्रॉस डायरेक्शन में कोई भी एक वर्ड फॉर्म करना है. राइट, वर्ड लिमिट इज 7. तो वर्ड लिमिट जो है वो 7 है यानी कि 7 है. द टीम दैट मेक्स मोर वर्ड्स विंस. तो जो टीम ज्यादा शब्द बनाएगी वो जीत जाएगी. Right kids, तो ये आप अपने पार्टनर या फिर अपने बेस्ट फ्रेंड या फिर अपनी टीम के साथ प्ले कर सकते हैं. राइट, गेम्स के इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं तो आपको ये गेम जरूर 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 खेलना है क्योंकि इससे आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी, इससे आपकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज होगी. Right kids, so with this we are done with this activity of general knowledge part 3. We will meet again in a new video with a new chapter. Till then, bye bye, take care and thank you.